कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो मुझे आप लोग जब मैं सीधी बात करूँगी, बहुत सारे कमेंट्स आए, नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए। बट जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, समटाइम क्या होता है, एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, आप लोग नहीं करते, तो मेरे चैनल की रीच पर फ़र्क पड़ता है। और ऐसे मुझसे लिखा नहीं चाहते, डेफिनेटली बात है, आपको रिवार्ड ना मिले तो लिखा नहीं चाहेगा। खैर, आप लोग इसको जो भी कहें, मेरी एपिसोड मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मैं लॉन्ग एपिसोड देती हूँ। बेशक आप उसे 5 मिनट में पढ़ें, बेशक आप उसे 5 सेकंड में पढ़ें, तो लेकिन मेरी तरफ से वो एपिसोड लॉन्ग होती है, बिकॉज 10-10 हज़ार वर्ड्स लिखना आसान नहीं होता। अगर 2 दिन का गैप आ जाए तो मैं उसे एपिसोड में कवर कर देती हूँ। तो जी, आज की एपिसोड भी लॉन्ग होने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। अच्छा, असल उसे देखते ही नज़रें चुरा गया था। मैरून ड्रेस में दुल्हन की तरह तैयार थी, बट एक शाने पर लहरा रहा था मैरून लिपस्टिक लगाए, उसके होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे, माथे की चोट का निशान, वो बुरी तरह लरस रही थी। असवन ने दूसरी नज़र उस पर डाली तो रंग इश्तियाल के माने सुर्ख हुआ, उसका अगला गला काफ़ी गहरा था। असवन की सर्द इश्तियाल भरी निगाहों का मतलब समझते आबीर ने जल्दी से दुपट्टा सीने पर फैलाते सर पर लिया था। मैं मुझे नहीं पता था वो मैं जल्दी में, आबीर ने असवन यार की सर्द आंखों में देखते कप कपाते लबों से वजाहत की थी। अब वो दुपट्टा सर पर फैलाए रोते हुए असवंद यार खान को देखती है। असवंद से कुछ पल देखने के बाद आगे बढ़ा था कि आबीर का कपकपाता हाथ असवंद यार खान के असवंद यार खान के बाजू पर आ ठहरा था। कक कक, मुझे छोड़कर जा रहे हैं आप, ये कैसे कर सकते हैं असवंद? आपने कब कहा आपको मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उस दिन गेस्ट हाउस में क्या कहा था मुझसे? आबीर ने असवंद के करीब होते लरसते लबों से काफ़ी आहिस्तगी से कहा था। असवंद की नाराज़गी के खौफ से बहुत आहिस्तगी से बात करती। एक मरतबा लाउंज में अपने हक के लिए आवाज़ उठाते उसे बेशर्मी के ताने मिल चुके थे। दुरैद खान से थप्पड़ खा बैठी थी आज, वो कुछ भी कहकर सबकी नाराज़गी का सबब नहीं बनना चाहती थी। दुरैद खान ने थप्पड़ मार दिया तो सामने खड़ा स्वाक इंसान शायद आज ढाल भी ना बने, वो तो उसे मिले बगैर छोड़ कर जा रहा था। क्या कहा था मैंने? असवंद ने उसके दो आदशा रूप को बगौर देखते पूछा। असवंद ने भी काफ़ी आसिर कहा था, वो भी नहीं चाहता घर वालों तक उनकी कन्वर्सेशन पहुँची, उस तरह सबके सामने बात नहीं करना चाहता था, मगर उसे कमरे में भी नहीं लेकर जा सकता। उसका दो आदशा रूप देखते वो कमरे में भी बहक सकता था जो वो नहीं चाहता था।